येस बैंक कल सबसे खराब देखें डैमेज स्टॉक्स था की श्रेणी में था एक हफ्ते में, आई मीन जब से आप देखें आई मीन कैंसिलेशन की खबर आई उसके बाद से आप देखिए स्टॉक 1420 ट्रैजेक्टरी से 1221 पे आ चुका है। किरण आपके अप्रोच क्या है? मैं ठीक है ये जो कॉल थी ये फंडामेंटली उनकी कॉल थी, लेकिन टेक्निकली समबडी हु इज स्टक इन दिस स्टॉक आई मीन 1440 का, 1350 का, 1320 का, उसको क्या करना चाहिए? यहाँ पोजिशन काट ले या फिर अपने जहन में दूसरी चीज रखे और वो है एवरेज आउट। और अगर एवरेज आउट करना है तो किस रेंज में करें अपने आपको एवरेज आउट? एवरेज आउट करने की सलाह नहीं दूंगा, अभी होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1180 का और मेरा मानना है कि ये छोटा सा पुल बैक दे सकता है 1300, 1320, 1330 का, इसके ऊपर में जाते हुए नहीं देख रहा हूँ। इसका एक रेंज बनता नजर आएगा और ये इतना जो मूव आई है हमने देखी है पिछले 6-8 महीने में, इसका एक टाइम करेक्शन होना बहुत लाजमी है। और जो प्राइस करेक्शन हुआ है 1450 से लेके करीबन 1200 का, ये बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है। अभी ये टाइम करेक्शन में चला जाएगा अगले 3-4 महीने, तो मेरा मानना है कि ऑन हायर लेवल्स एग्जिट करने की कोशिश करें और वापस एक बार नए प्राइस पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार करें। जब वो 6-7 महीने के बाद नए प्राइस पैटर्न आ जाएगा तब वापस एक बार नए सिरे से हम बाय इस स्टॉक में करने के लिए सलाह देंगे। अभी के लिए दूसरे स्टॉक्स हम देख सकते हैं।